प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी कंसर्न है, जैसे हम सब लोग कंसर्न है आज जम्मू कश्मीर के हालात को लेके। जैसे कि कल फिर पुलवामा में एक कैंप के ऊपर जब कई नौजवानों ने जाके हमला करने की कोशिश की, वहाँ एक लड़का मारा गया। आज मॉर्निंग में पुलिस का एक कॉन्स्टेबल मिलिटेंट उन्हें मार दिया। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सबके लिए ये कंसर्न की बात है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। और वो चाहते हैं कि ये खून खराबा रुक जाए, जम्मू कश्मीर जो है इस मुसीबत से बाहर निकल आए। और उन्होंने बार बार कहा, और हमारा भी ये मानना है कि जो पीडीपी और बीजेपी की अलायंस हुई है उसका बेसिस ये था कि जो वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक डायलॉग यहाँ भी और पाकिस्तान के साथ एक रिकंसिलेशन का प्रोसेस शुरू किया है, उसको आगे चला के जहाँ उन्होंने छोड़ा था उसको आगे चला के जम्मू कश्मीर की जो भी समस्या है उसका कोई हल ढूंढा जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से आबरू से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और ये जो रोज़ दो साल चार साल के बाद जम्मू कश्मीर में इस किस्म के हालात ख़राब होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं, कारोबार ठप हो जाता है, नुकसान होता है, इसको बंद कर सके। और इसमें मुझे खुशी है कि मोदी जी ने न सिर्फ पहले नवाज शरीफ साहब को अपनी ओथ सेरेमनी में बुलाया बल्कि खुद लाहौर चले गए, पर बदकिस्मती के साथ उसके बाद पठानकोट हुआ। और अभी पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज़्यादा प्रोवोकेशन हो, जैसे ऑल पार्टी डेलीगेशन के बारे में डिस्कशन हुआ प्राइम मिनिस्टर से, वो भी कोशिश करेंगे वहाँ लोगों को, दे विल ऑल्सो ट्राई टू रीच आउट। पर हमारी कोशिश ये है कि 2008 में हालात ख़राब हो गए, 2010 में हालात ख़राब हो गए, हालांकि 2008 और 2010 में जो हुआ उसका एक वजह थी लोगों के पास कि भाई आपने गलत किया है इसको सही करो। आज जो हुआ शायद मिलिटेंट एनकाउंटर पहले भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं और कल भी होंगे, पर उसके बावजूद लगता है कहीं ना कहीं कुछ जमा हो रहा था। और आज मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, जैसे मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि मोदी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी है, अगर इनके वक्त में कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। अगर वाजपेयी जी आगे आए होते उस वक्त 2005 में तो मुझे लगता है अभी जम्मू कश्मीर की समस्या काफ़ी देर हद तक हल हो गई। तो मेरा ये मानना है जो मोदी जी ने इतना बोल्ड स्टेप लिया वहाँ गए और आज भी वो कहते हैं अपने लोगों के साथ बातचीत कर रही, और करने भी चाहिए क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, चाहे वो पत्थरबाजी में मर रहे हैं, चाहे वो किसी कैंप में घुसने में मर रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं।